फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ होली स्पेशल में डिज़ाइनर मटरों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है और एकदम खस्ता करानी है। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं कि हमारी जो मटरियाँ बनी हैं वो कैसी हैं। देखिए कितनी करारी हमारी मटरियाँ हैं, हाथ से ब्रेक किया इजीली ब्रेक हो रही हैं और एकदम भुरभुरी सी हमारी मटरियाँ हो गई हैं। स्पेशल बात है, आप महीने दो महीने रखकर भी खाएंगे ख़राब नहीं होंगी। अगर बिगनर भी हैं तो अभी इन मटरियों को आराम से बना लेंगे, क्योंकि इसमें कोई खास टिप्स और ट्रिक्स नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और एकदम खस्ता करारी चटपटी सी मटरियाँ बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम जितना मैदा लिया, मैदे में डाल दिया टेस्ट के हिसाब से नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन जिसे हाथ से क्रश करके डाल दिया, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, और अजवाइन के साथ ही हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। और फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं एकदम चटपटी सी मसालेदार मटरियाँ। तो चटपटा करने के लिए मैंने ले लिया है 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स नहीं है कोई इशू नहीं है, आप इसकी जगह नॉर्मल लाल मिर्ची डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया चटपटी हो जाएंगी। और ये लिए 2 टीस्पून जितने तिल, इससे क्रंच बहुत अच्छा आएगा। और ये ले लिया 1/2 टीस्पून जितना जीरा, और ये ले लिया पाउडर शुगर। इस हमें मटरियों को मीठा नहीं करना है, बस टेस्ट को बैलेंस करना है, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा, थोड़ा सा मीठा सा लगेगा। और बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और ये लीजिए बढ़िया सा मिक्स हुआ। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। बहुत ज़्यादा बेकिंग पाउडर ना डाल दें, अगर सोडा डाल रहे हैं तो और भी कम डालें। और उसे भी बढ़िया सा मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने लिया है ये बिल्कुल नापकर 75 ग्राम जितना देसी घी। अगर चम्मच से आप इसका मेज़रमेंट करते हैं तो 5 टेबल स्पून घी मैंने देसी घी ले लिया है। और देसी घी डालने के बाद में हम इसे हाथ से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक ये डो में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। मिक्स करने के लिए फ्रेंड्स, आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय जरूर दें, तभी मॉइन अच्छे से मैदा में मिक्स हो पाएगा, सारे मसाले आपस में बढ़िया से कम्बाइंड हो जाएंगे। और ये देखिए सब चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स हो चुकी हैं। और जब हम इसे इस तरीके से रगड़ते हैं तो काफ़ी चिकना सा लगता है, इसका मतलब है कि जो हमने मॉइन डाला है परफेक्ट है। और इस तरीके से लड्डू बनाते हैं तो ईजीली बन रहा है, हाथ से ब्रेक करेंगे ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद एकदम नॉर्मल पानी लेकर, ना ठंडा और ना गरम, हम इसका डो लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप गरम पानी से डो लगाएंगे तो देसी घी है मेल्ट हो जाएगा और डो आपका थोड़ा पतला हो जाएगा, और अगर आप इसका चिल्ड पानी के साथ डो लगाएंगे तो फ्रेंड्स डो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इसलिए आप एकदम नॉर्मल पानी लें और सिर्फ डो को इकट्ठा भर कर लें। इस समय आपको डो को मसलना नहीं है, बस जैसे ही डो इकट्ठा हुआ, और ये देखिए इकट्ठा डो हो चुका है और पानी लगा है बहुत ही कम, तो इसे कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से रख देंगे। ज़्यादा समय है, आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डो लिया और इसे बिल्कुल अच्छे से मसल लेंगे। आप या तो बड़े बर्तन में कर लें या काउंटर टॉप पर ले लें, लेकिन इस समय डो को मसलने में आपको फिर से 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। तो बस इस तरीके से हथेलियों के साथ रगड़ रगड़ कर हम डो को बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ कर लेंगे। और ये देखिए डो बढ़िया सा स्मूथ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डो बनाकर तैयार किया है इसको हम सिलेंडर का शेप में कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसके पीस डिवाइड करेंगे जिसके साथ हम ये मटरियाँ बनाएंगे। तो नाइफ लिया और इस तरीके से हम इसके 6 पीस कर लेंगे। मैंने 400 ग्राम जितनी मैदा लिया है और उसको मैंने 6 भागों में अब डिवाइड कर लिया है। और आप जब भी डो को रखें इस तरीके से रखें कि वो सूख ना पाए, यानी कि कवर करके रखें, या तो गीला कपड़ा ढक दें या अच्छे से आप उसे कपड़े वगैरह से ढक दें। और इसके बाद जितना पतला आप इसे बेल सकते हो उतना पतला और उतना बड़ा सा आप इसे बेल कर तैयार कर लें। और देखिए मैंने इसे काफ़ी बड़ा सा बेल कर तैयार किया है और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल पतली है। हथेली पर लेते हैं तो हथेली की जो रेखाएँ हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। तो बस इसी तरीके से हम 1 बाई 1 जितने भी हमने ये बड़े बड़े से लोई बनाए थे इन्हें बेलकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इन मटरियों को बनाना जितना आसान है, बस प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस अब ये हमारी जो बड़ी बड़ी पूड़ियाँ थी बेलकर तैयार हो गई हैं। और अब एक बड़े से बर्तन में मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून जितना देसी घी, और उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितनी मैदा और साथ ही 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर।
आप अगर देसी घी नहीं लेना चाहते तो आप बटर ले सकते हैं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अगर देसी घी से बनाएंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसके लिए आपको जो घी लेना है वो मेल्टेड नहीं लेना है, जैसे नॉर्मल डिब्बे में रखा रहता है उसी घी का आपको इस्तेमाल करना है। और बस अच्छे से इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया। इसे कहते हैं साटा बनाना या मैदा की क्रीम बनाना। और इस क्रीम का जो टेक्सचर होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। इसमें थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए हम डाल रहे हैं एक पिंच जितना नमक, इससे ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि मठरियों में ऑलरेडी नमक है। और ये लीजिए साटा तैयार हुआ। इधर मैंने जो पूड़ियाँ बनाई थी वो भी तैयार है, मैदा की पूड़ियाँ हैं। नमक डाला है, हो सकता है थोड़ी सी सिंक हो जाए, तो बस बेलन से हल्का सा बेल लें और हाथ के साथ हम साटे को अच्छे से लगा लेंगे क्योंकि हमें साटा जो लगाना है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। चम्मच वगैरह से उतना अंदाज़ा नहीं पड़ता, ना ब्रश से ही अंदाज़ा पड़ता है। बस हल्का हल्का सा हमने इसे लेयर कर दिया और ऊपर से सूखा मैदा डस्ट कर दिया। एक और हमने ये जो पूड़ी बना कर रखी थी ये रखी, और देखिए थोड़ी सी सिंक हो गई। अगर खींच कर इस तरीके से सेट करेंगे तो इजीली नीचे जो पूड़ी तैयार है उस पर इजीली सेट हो जाएगी। और बस दूसरी पूड़ी पर भी साटा लगा लिए। इस तरीके से हम तीन पूड़ियों को एक के ऊपर एक लगाएंगे, सूखा मैदा डस्ट करेंगे और फिर तैयार पूड़ी उसके ऊपर रख दी। और अब हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। फ्रेंड्स इसे आपको एकदम पतला सा बनाना है, लेकिन बेलते हुए भी आप एक बात का ध्यान रखिए, इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ना बेलें। हल्का सा बेलने के बाद में उस पर फिर से साटा लगा लिया, फिर से हमने सूखा मैदा डस्ट कर दिया। और अब एक साइड से उठाना शुरू करेंगे और थोड़े टाइट हाथ से हम इसका रोल बनाएंगे जिससे इसमें एयर बबल्स ना रहें। और फ्रेंड्स अगर आप बिगनर हैं तो अच्छा होगा जो लास्ट का है जिसे आप उस पर पानी लगा लें, वरना इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सेट कर लें। अंगूठे के साथ हल्का हल्का प्रेशर देते जाएं जिससे वो बिल्कुल अच्छे से उस पर स्टिक हो जाए, वरना आप बिल्कुल हल्का सा पानी लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसे काफ़ी बड़ा और पतला सा बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा रोल भी तैयार कर लिया है और एजेस को जो लास्ट वाला है उसे बिल्कुल अच्छे से स्टिक कर दिया। और ये देखिए दो रोल बनकर तैयार हो गए हैं, एक थोड़ा छोटा है एक थोड़ा सा बड़ा है। और आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल पतला सा हमारा रोल तैयार हुआ है। तो बस इस तरीके से हम थोड़ा सा आड़ा सा नाइफ रखेंगे और इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। और आप इसमें लेयर देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट लेयर हैं, जब इसे डीप फ्राई करेंगे तब देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगी। फ्रेंड्स मटरी को कट करते हुए ज़रूर ध्यान रखें कि थोड़ा सा आड़ा ही कट करें, अगर आपने एकदम गोल गोल कट कर दिया तो ऑयल में जाकर बिखर सकती हैं। तो बस अब हम इन्हें सेक लेते हैं। सेकने के लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर कुकिंग ऑयल रख दिया है। ऑयल को रखना है एकदम मीडियम और आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो इतना ठंडा है कि उसमें से अच्छे बबल्स बन रहे हैं। तो बस इसी तरीके का ऑयल आपको गर्म करना है क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम पर इन्हें सेका तो मटरियाँ थोड़ी सी मोटी हैं, सीखने में ज़्यादा समय लेंगी, बाहर से सीख जाएंगी अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए एकदम स्लो गैस पर आप इन्हें 10 से 12 मिनट तक सेकें, तभी मटरियाँ प्रॉपर सीख पाएंगी, सारी लेयर खुल जाएंगी। और मटरियों को सेकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, एक बार टर्न कर देंगे और देखिए हल्का हल्का सा कलर आया है। 4 मिनट और सेका और ये देखिए हमारी मटरियाँ एकदम परफेक्ट सीख कर तैयार हो गई हैं। जितनी भी लेयर थी सब अच्छे से खुल चुकी हैं। मटरियाँ देखने में बहुत बढ़िया और खस्ता करारी लग रही हैं। प्लेट में निकाल लेते हैं। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि थोड़ी बहुत मटरियाँ ब्रेक हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है। इनकी लेयर भी खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। और बस इस तरीके से हमारा दूसरा बैच भी तैयार है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बहुत ही टेस्टी और एकदम डिजाइनर मटरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। हल्के से और स्पाइसी करने के लिए मैंने इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है चाट मसाला। मटरियां बनी हैं वो कितनी खस्ता हैं। और चलिए अब इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं, क्या अच्छी बढ़िया हमारी मटरियां बनकर तैयार हुई हैं। हथेली में लेकर ब्रेक किया इजीली ब्रेक हो रही है, यानी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही करारी सी तैयार हुई है। मटरियां तैयार करी हैं, देखने में बहुत सुंदर है, सारी लेयर एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है। सारी लेयर है, इन मटरियों को आप महीने दो महीने भी रखकर खा सकते हैं, खराब नहीं हो रही है। बस स्टोर करने से पहले एक ही बात का ध्यान रखें, पूरी तरह से कूल डाउन ना हो जाए, स्टोर ना करें। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रहेगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें, चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।